एक ले लेंगे कटोरे में, पैन में हमने ले लिया है बेसन का पेस्ट डाल दिया, जो बना कर देख लीजिए उसको हल्के हिला देंगे, गुज्जे टाइप में आने लगे हैं ये देखिए, हल्के से पड़ा जब भी फूल जाएंगे तो अच्छे से, ज़्यादा आधा घंटे के लिए इसको बैटर पर रख दीजिएगा, आधा घंटा तो रख चुके हैं, अब गर्म पानी हो गया है, इधर देखो आ गया, और थोड़ा सा गैस धीमा कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा तेज गर्म हो जाएगा, बराबर से इतना चावल देख, ये हमने थोड़ा खाली रखना चाहिए क्योंकि फूलता है ना, ये ध्यान रहे कि आधा इसको ही पानी में भरना, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमे आंच पे, इसको मीडियम आंच में रखना पड़ेगा, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमा, और देखिए कैसे आ रहा है हल्का हल्का साइड साइड में देख लीजिए, अब ढक देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, 15 मिनट का फ्रिज तो थोड़ा बाहर निकलते हैं, अभी हम लोग को एक और चीज बनानी है, बेसन की भाप वाली पकौड़ी, बेसन अलुई की भाप वाली पकौड़ी, और एक सेकेंड नमक कल अब कल बनाएंगे, बनाना दिखाएंगे, बनाना तो भी बना दिखाएंगे, तो कल हम बनाएंगे अरुई के डंडे की सब्जी, अरुई की जो डंडी होती है उसकी सब्जी बनाएंगे, डालना अभी डाल दो नहीं कल बनाएंगे, कल की ठीक है नहीं काफ़ी, ये है अरुई की डंडी की सब्जी, इसे हम कल बना के दिखाएंगे किसका बनता है, अभी के लिए अरुई की पकौड़ी बनाएंगे, अरुई और बेसन नमक वगैरह स्वाद अनुसार डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर रख लेना है किनारे, उबाल लीजिए, उबाल लीजिए, उबाल ले ठीक है, उबाल कर उसे कम बनाता नहीं, फिर दो बार पानी में अमचूर वगैरह डाल देंगे क्योंकि अमचूर डालना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमने मिक्सर बनाया हुआ है इसमें ध्यान देख, थोड़ा तेज बोल रहे, एक माइक ले लेंगे नहीं देता, बहुत तेज बोल रही हूँ, नमक आवाज आई मम्मा, ये वो दूसरी चीज है जिसको हम बनाने जा रहे हैं भाप के द्वारा, ये बनेगा बिल्कुल जैसे हम और कुछ भाप में बनाते हैं पानी में वैसे ही बनेगा ये, तो इसके लिए हमें चाहिए बेसन, आलू का पत्ता उबाला हो या वैसे भी आ सकते हैं उसमें, उबालने से क्या करते कनकनाहट पर दूर हो जाता, खाने के बाद बहुत लगता है ना इसलिए इसको उबालने पड़ता, इसमें डालेंगे नमक मसाला हल्दी चूप और अमचूर डालेंगे पाउडर, ये अमचूर पाउडर है थोड़ा ज्यादा रहे, राइट,